लॉकडाउन को देखते हुए रविवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने महेवा मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कहा, गल्ला और सब्जियों की आवक और वितरण की स्थिति सामान्य हो चुकी है, क्योंकि सब्जियों के लिए हर मोहल्ले में ठेले लगाया गया है और जहां ठेले नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां मैजिक गाड़ियों को लगाया गया है। सब्जी भरपूर मात्रा में है और राशन का रेट भी स्टॉक के हिसाब से निर्धारित कर दिया गया है, जिसके लिए शहर के प्रोविजन स्टोर को पास जारी किया गया, जो होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, सब्जी और गल्ले को लेकर स्थिति इस समय शहर में सामान्य हो चुकी है और हमारे पास भरपूर आवक है और उसी हिसाब से यहाँ पे उसका कंजम्पशन भी हो रहा है। और जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ ठेले लगे हुए हैं, ठेलों के माध्यम से सब्जी जो घर घर वितरित की जा रही है। इसके अलावा जो जिन एरियाज में ठेले नहीं हैं वहाँ पर मैजिक गाड़ियों के माध्यम से सब्जी भेजी जा रही है और जनता के घरों पर जाकर सब्जी पहुँच रही है और रेट सुबह डिसाइड हो जाता है और रेट भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रेट नहीं है। तो इससे जनता को सब्जी और पाने में कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। रही बात गल्ले का, तो गल्ले का भी रेट जो है वो पहले से डिसाइड कर दिया गया है और वो भी दे दिया गया है, उसी हिसाब से मिल रहा है। प्रोविजन स्टोर्स की चेन बनी हुई है, वो हिसाब से रेट दे रही है। कहीं कोई समस्या आ रही है तो तत्काल उसकी जाँच कराई जा रही है। तो अभी तो सब सामान चल रहा है।